हेलो फ्रेंड्स, स्केबीज दी जिहड़ी तुहानू क्रीम दसी गई है वह तुसी रात नू नहा के तौलिए नाल अच्छी तरह अपना शरीर पूंछ के गर्दन तो लैके पैर दे अंगूठे तक अद्धी क्रीम जे वह 60 ml दी है ते जो 30 ग्राम दी क्रीम है ते पूरी मुकानी है गर्दन ते हत्थां दी उंगलियां नौवां दे विच अंडरआर्म्स छातियां ते पिछावली थां लैटिन वाली थां सारियां लत्तां पैरां दी उंगलां पैरां दे थल्ले हर थां ते तुसी ट्यूब लगानी है। पूरी ट्यूब खत्म करन तो बाद तुसी हत्थ नहीं धोने, सो जाना है, अगले दिन सवेरे उठ के नहाना है, पाए हुए कपड़े नीचे वाली चादर उपर वाली चादर या रजाई कंबल का गिलाफ सराहने का गिलाफ रसोई दे पौने पहला दे पाए किलियां टंगे कपड़े कार मोटरसाइकिल स्कूटर साफ करने वाला कपड़ा बाहर तक ते शायद कोई चादर कोई वाशिश नाल हाथ पुंजन वाला तौलिया तुहाडे काम दे उत्ते वरते जाने वाले कोई टावल जां चीज़ां उह सारियां नूं गर्म पानी धोना है। अगर तुहाडे नाल कोई होर रहिंदा है चाहे उहनूं खारिश है या नहीं इह क्रीम उहनां सारिआं ने लगानी है। इह क्रीम लगाउण तों बाद हाथ नहीं धोने अगले दिन सवेरे या कह लो 8 घंटे बाद तुसी नहा के ये सारियां प्रिकॉशंस लेनियां ने। इहदे विच तुसी जिन्नी चंगी तरह नहाओगे जिन्ना अपने आप नूं साफ रखोगे उन्ना चांस है कि तुसी जल्दी ठीक हो जाओगे। स्केबीज दे ट्रीटमेंट दे विच इह लगाउण वाली दवाई तों बाद भी तकरीबन 1 महीना लग जांदा है पूरी तरह खारिश नूं कटदिआं ते खतम हुंदिआं। तुहानूं अपने सारे कंटैक्ट नूं इह दवाई लगवाउणी पैंदी। इस दे नाल तुहानूं जिहड़ी खारिश की गोली दित्ती गई है वह एक रोज़ शाम नूं खाओ। इहदे नाल अगर तुहानूं असीं कोई होर गोली हफ्ते दे विच 1 वारी ही खाण नूं कहा है तो वह खानी है। धन्यवाद। थैंक यू।